फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग विद चित्ररेखा। और आज हम बनाने जा रहे हैं खीरे के पराठे। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए किसे हुए खीरे, ये गेहूं का आटा, जीरा पाउडर, कटा हुआ प्याज, कसूरी मेथी, किसा हुआ अदरक, कटा हुआ हरी मिर्च, बेसन, चावल का आटा, स्वाद अनुसार नमक, सूखे मसाले, और ये हमने इसमें जीरा और अजवाइन ले लिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे गेहूं के आटे में थोड़ा सा बेसन ऐड कर देंगे और थोड़ा सा चावल का आटा भी ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें अजवाइन और जीरा भी ऐड कर देंगे। फिर सूखे मसाले, सबसे पहले थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, फिर हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्च और किसा हुआ अदरक भी हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लें। अब हम इसमें हमारा किसा हुआ खीरा भी ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हमारे आटे में थोड़ा सा तेल भी ऐड कर देंगे। इसमें हमें ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खीरे के पानी से ही हमारा डो अच्छी तरह से गूंथ जाएगा। इसलिए ये देखिए, हम थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे। और हमारे खीरे के पराठे का डो थोड़ा टाइट ही रहना चाहिए। तो ये देखिए, ये हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे 5 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम हमारे आटे को हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के इसे चिकना कर लेंगे और इसे फिर से थोड़ी अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। ये देखिए, हमने इसे चिकना कर लिया है। अब हम इसके पराठे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, हम इस तरह से पराठे को बेल लेंगे। हम इसे थोड़ा पतला ही रखेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं। जब तक दूसरा पराठा हम बेल रहे हैं, तब तक हमने इधर पैन चढ़ा दिया है फ्लेम पे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने अपना पराठा पैन पे डाल दिया है। आप पराठा किसी भी शेप में बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप सारे पराठे को बेल लेंगे। ये हम आपको ट्रायंगल पराठा भी बना के दिखा रहे हैं कि आप ट्रायंगल शेप का पराठा कैसे बना सकते हैं। ये देखिए, तैयार है हमारे ट्रायंगल पराठे। तो आप कुछ कोई भी शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक तरफ से हमने अपने पराठे को भी पलट दिया, अब हम दूसरी तरफ से भी इसे अच्छी तरह से हल्के से पकाएंगे। अब हम अपने पराठे में तेल डाल के इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, हमारा पराठा लगभग पक चुका है।
आप इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से दबा के पका लें। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा पराठा तैयार है। हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और हम हमारा दूसरा पराठा तब तक पैन पे डाल देंगे। ये देखिए बन के तैयार है हमारे खीरे के पराठे, जिसे हमने खीरे के रायते के साथ सर्व किया है। तो कैसी लगी आपको ये डिश हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल कुकिंग विद चित्ररेखा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस डिश को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।